एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, ये ग्रेटर देन जीरो आपको करना है। तो आपसे पूछा है कि एक्स की क्या वैल्यूज होंगी या क्या रेंज होगी जो ये आपको इन इक्वालिटी सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज्ञान होना जरूरी है। तो इतना तो कम से कम आपने सीखा होगा कि इसका डी निकालना, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये तो बात समझ में आती होगी। इसका अगर आप डी देखोगे तो ये आ जाएगा माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस का फोर, वन इंटू फोर, तो नाइन माइनस का सोलह, दैट इज माइनस का सेवन, जो कि जीरो से छोटा है। इसका मतलब जो इसके रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है भाई। इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, ये बात की चलो समझ में आती है। अच्छा, अगर इसके रूट्स इमेजिनरी हैं तो इस बात की गारंटी है भाई, रूट्स इमेजिनरी होने का मतलब क्या होता है, अगर रूट्स इमेजिनरी हैं तो इस बात का ये मतलब है कि वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। दूसरी बात, यदि मैं इसके लीडिंग कोफिशिएंट को देखता हूं जिसको हम ए बोलते हैं, हाँ ए, तो ए जो है वो वन है जो कि जीरो से बड़ा है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट जीरो से बड़ा होता है तो ग्राफ जो है ना, ग्राफ वो इस तरह से ओपन होता है, कॉनकेव अपवर्ड, और अगर ए जो है वो जीरो से छोटा होता है तो इस तरह से कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। तो इस वाले फिगर में, इस वाले इक्वेशन में ग्राफ कैसे ओपन होगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से ओपन होगा। और इमेजिनरी रूट का मतलब इसको कट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं तो आप इसका ग्राफ कैसे भी ड्रॉ कर लो, मान लो आपने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, किसी बच्चे का मन है सर हम तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि भाई एक ही कंडीशन है कि कट नहीं करना एक्स एक्सिस को। तो यू कैन सी इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि वाई जो है हमेशा ऊपर वाले एक्सिस पे आएगा तो वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो एक्स की क्या रेंज है भैया, एक्स कुछ भी रख लो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यू कैन चूज एनी वैल्यू, क्योंकि यहां से लेके यहां तक आप कुछ भी वैल्यू रखो, आपका मन है ग्राफ को यहां बना लो तब भी पॉजिटिव आएगा भाई। इट मीन्स वॉट, कि जरूरी जो बात समझने की है कि अगर आपका लीडिंग कोफिशिएंट जीरो से बड़ा होता है और डी जो है वो जीरो से छोटा होता है, जीरो से छोटा होता है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो हमेशा जीरो से बड़ी होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखनी चाहिए। तो इसका आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि लीडिंग कोफिशिएंट जीरो से छोटा है और डी भी जीरो से छोटा है, डी जीरो से छोटा मतलब इमेजिनरी रूट्स हो गए, यहाँ पे रूट्स कैसे हो गए, इमेजिनरी, और लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो गया, लेस देन जीरो, नेगेटिव, तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, मतलब वो भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, तब भी आंसर क्या होगा, इस वाले केस में जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है वो ऑलवेज नेगेटिव होगा, क्या होगा, ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन है जो कि आपको हमेशा याद होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। मैंने आपको दो बातें बताई, ये दोनों बातें आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, कभी भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करो, शॉर्ट वीडियो को शेयर करो, और जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उनको समझने के लिए आप सिलेक्शन क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई फीडबैक है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।